Hello everyone, my dear students and lovely viewers. So first of all, you are welcome to our channel. Today I am covering a very beautiful subject. I know you like very much, that is watercolor. Okay, so watercolor, it's very easy technique. Okay, so this is my requirement, simple brush and other colors, dry copy, etc., etc. But I am going to show you how you can create your watercolor painting without drawing. Okay, so aap pura video end tak dekh rahe ho, aur is there any question, kuch janna hai, to phir aap comment box mein aap likh sakte. Okay, so thank you so much. Point cursor. Okay. Next, either yellow, that is chrome yellow. And yellow car. थोड़ा ऑरेंज भी पंच कर लेते हैं इसके साथ. ओके, अभी इसका साथ रेड. ये हो गया स्काई लेवल का ऑलमोस्ट फिनिश. अभी धीरे धीरे ब्रश चेंज कर लिया. इधर आपको छोटा सा पॉइंट जैसे मैंने किया. इसे कर सकता थोड़ा बहुत अभी हम लोग रेडिस ग्रुप में इसको ड्रॉ किया, आई मीन कलरिंग करना है, इसलिए इधर ब्लू नहीं दिया, डायरेक्टली जो स्काई ब्लू वगैरह है और सिंपल सा लेना. अभी धीरे धीरे इसका ये ना orange, yellow and you know ये जो side में है मेरा perspective का color था वो था इसका सब
इसका फ्लो आ गया, कपल फ्लो। Now you can remove all your extra water which is already staying here. अभी आपका हो गया। वाटर का और पानी का तेरा अभी धीरे धीरे इसका सेकेंड टोन आई मीन लिटिल बिट आइज एंड अदर्स डिटेल करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टोन। आपका जब सेकेंड टोन आप यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ऑलमोस्ट 50% या 75% ड्राई होना चाहिए। मतलब ये वेट में आप अगर कलर देंगे तो वो ज़्यादा डैम हो जाए, इसलिए थोड़ा पेपर जब फर्स्ट टोन सूख जाएगा उसके बाद आपको करना है। ठीक, अभी जहाँ मेरा ब्लैंक एरिया है ये सारे एरिया में इस तरह कलर दे सकता हूँ। इधर थोड़ा लाइट एंड सेट की वजह से वन साइड व्हाइट एंड वन साइड लिटिल पर्पल, तो ये तो आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरह फील्स। अभी इसमें आपका थोड़ा बहुत डिटेलिंग बनाना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि आपका वाटर कलर बहुत डिटेलिंग नहीं करने से भी चाहिए बिकॉज जस्ट गेटिंग ऑल दिस ऑब्जेक्ट एंड अदर सिटीज same. Okay, so now
इधर थोड़ा मतलब इमेजिनेटिव कुछ इस तरह ग्रास बना सकते छोटा छोटा दो फिगर दे दिया ताकि और भी एडिंग हो जाएगा ये मनुष्य ना कबल लोग थोड़ा रिफ्लेक्ट दे रहे ज्यादा डार्क करना जरूरी नहीं है क्योंकि आपका शुरू में आपको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नेम मिला है क्योंकि जितना मिनिमम लाइन्स है कम कर सकते हैं उतना इजी रहेगा प्रैक्टिस के लिए
उसमें पहला टच, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कब आपका पेंटिंग खत्म हुआ, कब आपको छोड़ना चाहिए पेंटिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट है जहाँ आपको लगना चाहिए आपको पेंटिंग। अदरवाइज अच्छा लगा तो आप करते ही क्या करते हो, बाद में आपको बहुत ज़्यादा पेंटिंग खराब। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका आज का वाटर क्लास। होप यू एंजॉय ऑल दिस मोमेंट लाइक फ्रॉम द स्काई टू लैंड एंड अदर्स टू हार्ट एंड अदर्स टू फिगर्स एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द हाउस एंड फिगर। ओके, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। और इज देयर एनी क्वेश्चन आप कमेंट में लिख सकते हैं, और क्लास या पेंटिंग आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना। ओके, सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच।